हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। देखिए, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है, तो 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच जो औद्योगिक और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम औद्योगिक क्रांति। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई। उसमें रसायन और बिजली के नए उद्योग क्षेत्रों का विस्तार हुआ। तो दूसरी औद्योगिक क्रांति कब आती है? पहली औद्योगिक क्रांति आती है 1780 से 1850 के बीच में, और दूसरी औद्योगिक क्रांति आती है 1850 के बाद। आगे हम बात करें, मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल उत्पादन को संभव बनाया। देखिए, पहले जो भी कोई भी चीज़ बनाई जाती थी, वो हाथों से बनाई जाती थी। अब दूसरी औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि चीज़ों को मशीनों से बनाया जाने लगा, और जो निर्मित वस्तुएँ थी पहले की अपेक्षा और अच्छी बनने लगी, और उनका उत्पादन भी बहुत तेज़ी से होने लगा। उत्पादन भी बढ़ गया। तो मशीनों के उपयोग और तकनीक के उपयोग से उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार आया। तो दूसरी औद्योगिक क्रांति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। 1780 के दशक से 1820 के दशक के दौरान कपास और लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण, विदेश व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो ये पहली औद्योगिक क्रांति की बात है। पहली औद्योगिक क्रांति में तो 1780 से 1820 के दशक के दौरान कपास और लोहा उद्योग, कोयला खनन, सड़कों और नहरों का निर्माण और विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण क्या है। देखिए, इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्जिस मिशले फ्रांस के रहने वाले हैं, और फ्राइड्रिक एंजेल्स जर्मनी द्वारा किया गया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है, वो जॉर्जिस मिशले जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और जर्मनी के रहने वाले फ्राइड्रिक एंजेल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी औद्योगिक क्रांति का शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया जॉर्जिस मिशले फ्राइड्रिक एंजेल्स जर्मनी द्वारा किया गया, और अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का प्रयोग दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा किया गया। उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए। तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने यह कहा कि जो 1760 से और 1820 के बीच जो भी परिवर्तन हुए हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। चलिए, ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था और मुद्रा का प्रयोग बढ़ गया। तो यानी अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति का विकास विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वह ब्रिटेन में हुआ, और ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जिसने उद्योगों को बढ़ावा दिया था। आगे हम बात करते हैं कृषि क्रांति के बारे में। देखिए, यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए, गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा लिया और बड़ी बार भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो देखिए, कृषि क्रांति का अर्थ ही सीधा सीधा यही निकलता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। अब खाद्य उत्पादन वृद्धि कैसे हो रही है कि जो बड़े जमींदार हैं, उन्होंने अपने जो बड़ी जमीन संपत्ति है, उनके पास छोटे छोटे जमीनों को खरीद लिया, गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया और बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिसमें उन्होंने कृषि की और भोजन में क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि हुई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण गांव से आए गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध उद्योग स्थापना हेतु ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक और अच्छी परिवहन व्यवस्था होने लगी। देखिए, जब उद्योगों का विकास हुआ तो गांव में जो रहने वाले लोग थे, वो रोजगार की तलाश में कहाँ आते हैं? रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं, और उनको नए उद्योगों के विकास के लिए ऋण भी मिलता है, अच्छी परिवहन सुविधाएं मिलती हैं और अच्छी शहरी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे शहरों का आकार भी धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ब्रिटेन 17वीं शताब्दी से ही राजनीतिक दृष्टि से सबल और संतुलित राष्ट्र था।
पूरे राष्ट्र में एक ही कानून व्यवस्था और एक ही सिक्का मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। तो 17वीं शताब्दी में सबसे संतुलित जो राष्ट्र था वो कौन था? ब्रिटेन था। उसका कारण था कि वहां पर एक ही तरह का कानून था, एक ही तरह की मुद्रा चलती थी, सिक्का चलते थे और एक ही बाजार व्यवस्था थी। आगे हम बात करें, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसके अंतर्गत बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के समीप छोटे छोटे खेत खरीदे, गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया और इससे खाद्य उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई, जैसे हम कृषि क्रांति में अभी हम बात कर चुके हैं। लंदन का महत्व तो उस समय क्या था? देखिए, इंग्लैंड अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मध्य नव स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था लंदन। तो लंदन तीन देशों के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र था, इंग्लैंड अफ्रीका वेस्ट इंडीज के बीच। सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड देश की वित्तीय प्रणाली का आधार था। हालांकि इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने, संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता इन्हीं बैंक से उपलब्ध कराई जाती थी। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर 26,000 आविष्कार हुए। कितने हुए? 26,000 आविष्कार हुए। उनमें से अधिकतर आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में हुए और इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक क्रांति आती है और समाज में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे हम बात करें, 1709 ईस्वी में प्रथम अब्राहम डबी यानी 1677 से 1717 ने दमन भट्टी का आविष्कार किया था। तो अब्राहम डबी ने दमन भट्टी का आविष्कार किया। इसमें कोक का इस्तेमाल कर उच्च तापमान पैदा किया जाता था, मतलब कोयले का इस्तेमाल कर ज़्यादा तापमान दिया जाता था। इस आविष्कार के कारण पिघला हुआ लोहा निकलना आसान हो गया था। इसी दौरान हेनरी कोर्ट ने, ध्यान देना, हेनरी कोर्ट ने बेलम मिल का आविष्कार किया। इसके अंतर्गत शुद्ध लोहे की छड़ें तैयार करने के लिए भाप की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाने लगा था। 1780 के दशक से कपास उद्योग को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। कपास पूर्ण रूप से आयात किया जाता था और उससे तैयार कपड़ों को निर्यात किया जाता था। तो आपने देखिए, भारतीय हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ से कपास जो है वो कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाया जाता था और इंग्लैंड से वहाँ पर जो कपड़ा बनाया जाता था उसको विभिन्न देशों में क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। भाप की शक्ति का प्रयोग औद्योगिकरण के उद्देश्य से निर्णायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति का उपयोग सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। तो सबसे पहले भाप की शक्ति का उपयोग किसमें किया गया था? खनन उद्योग में सबसे पहले किया गया था। खानों से पानी बाहर निकालने के लिए थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड यानी खनन मिश्र नामक एवं भाप के इंजन का मॉडल तैयार किया। यह इंजन कम गहराइयों में धीरे धीरे काम करने लगा और इसकी सहायता से खनन कार्य आसान हो गया। इंग्लैंड में 1788 से 1796 की अवधि को नहरोन्माद कैनाल मेनिया के नाम से जाना जाता है। तो नहरोन्माद या कैनाल मेनिया के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है कि यह था कि इस दौरान अनेक नहरें बनाई गईं और उसके बाद अगले 60 वर्षों में 400 मील के क्षेत्रफल में नहरों का जाल बिछा दिया। यानी इस दौरान यह नहरों की संख्या क्या होगी? बढ़ गई। भाप की शक्ति का प्रयोग ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के नए नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफी तेज हो गई। ब्लचर 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन सन द्वारा बनाया गया एक रेल इंजन भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया था। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भाप की शक्ति का सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया था? खनन उद्योग में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। आगे हम बात करें, 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली बार वर्सली कैनाल बनाई गई। जेम्स ब्रिडली ने क्या बनाई? वर्सली कैनाल बनाई। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। 1788 से 1796 ईस्वी, 8 वर्ष की अवधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। 46 नहरों के निर्माण की परियोजना हाथ में ली गई, यानी कि नए 46 नहरों का निर्माण किया गया। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादकता, कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होती है। औद्योगिकरण के नुकसान के बारे में यदि हम बात करें तो औद्योगिकरण के नुकसान होता है परिवारों में बिखराव होता है।
पुराने मौसम में बदलाव होता है। रोजगार की तलाश में गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों का बड़ा और विकृत रूप हो जाता है, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं रहता। आगे हम बात करें, ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा में वृद्धि होती है, पर्यावरण की क्षय होता है, हैजा और तपेदिक जैसी बीमारियां ब्रिटेन में फैल जाती हैं। तो यह ब्रिटेन को क्या चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। समाजवाद के बारे में यदि हम बात करें तो उत्पादन का विशिष्ट सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है। समाजवाद कहता है कि जो भी उत्पादन हुआ है उन सभी संसाधनों पर सभी लोगों का, सभी समाज के सदस्यों का बराबर का अधिकार होगा। और पूंजीवाद की यदि बात करें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व रहता है, यानी कि और वही व्यक्ति अमीर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों और औरतों पर नकारात्मक रहे। शैशव अवस्था में बच्चों की मौत होने लगी। घिनौनी व गंदी बस्तियों में रहना बच्चों को पड़ा। कम मजदूरी और कम घंटों की काम के घंटों की अधिकता बढ़ गई, जिससे मजदूरी कम मिली तो लोगों का इससे क्या हुआ, शारीरिक शोषण होता है और धीरे धीरे बीमारियां वहां पर भी क्या है, फैलने लगती हैं। बच्चों और औरतों की दशा सुधारने के लिए 1833 में कानून आता है। 1842 में खान और कोयला खान अधिनियम आता है। इसमें कहा जाता है कि 10 वर्ष से कम आयु के स्त्रियों व बच्चों से खानों में काम लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1847 का अधिनियम कहता है, फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम लेने पर क्या रहेगी, पाबंदी रहेगी। तो ये 1847 का जो फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम है ये कहता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। रेलवे के आविष्कार के साथ ही औद्योगिकरण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे के आविष्कार के साथ ही औद्योगिकरण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। 1824 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन 1781 से 1848 ने एक रेल इंजन तैयार किया। इसे ब्लचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्लचर। यह इंजन 30 टन भार लेकर 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी पर ले जा जा सकता था। निसंदेह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य को अत्यधिक नुकसान भी हुआ, फलतः इससे परिवार बिखर गए, पुराने मौसम भी बदल गए, काम की तलाश में लोगों को नई जगहों पर बसना पड़ा, जिससे शहरों का रूप विकृत हो जाता है। मजदूरों को विकट परिस्थितियों में निर्वाह करना पड़ता था, वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। मौत अधिकतर उन महामारियों से होती थी जो जल प्रदूषण जैसे हैजा, आंत्रशोथ, वायु प्रदूषण जैसे क्षय रोग, टीबी से भी मौत होने लगती है। तो ये औद्योगिक क्रांति के क्या हैं, दुष्परिणाम हैं। उद्योगपति पुरुषों की अपेक्षा औरतों तथा बच्चों को काम पर लगाना पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि उनकी मजदूरी कम होती थी, काम की घटिया परिस्थितियों के विरुद्ध शिकायत करने से वह डरे रहते थे। काम के अभिप्राय से कोयले की खाने भी अधिकतर अत्यधिक खतरनाक होती थी। खानों की छतें प्राय धस जाती थी, वहां विस्फोट भी हो जाया करता था। इससे अतिरिक्त खानों में मजदूरों को चोट लगना साधारण सी बात थी। तो यह है, देखिए, मजदूरों को चोट लगती थी, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी, औरतों और बच्चों से काम करवाया जाता था। तो ये सब औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड में काम की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं, लेकिन सरकार ने दमनकारी रुख अपनाकर कानून बनाकर व्यक्तियों से विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही छीन लिया। अंत में सरकार ने कानून बनाकर औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों में सुधार करने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के लिए 1833 के अधिनियम के द्वारा 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को सिर्फ रेशम के कारखानों में काम करने की अनुमति दी गई, बड़े बच्चों को काम के घंटे सीमित कर दिए गए। ओडंतुरी करघे यानी फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार जॉन के द्वारा 1733 में बनाए फ्लाइंग शटल लूम यानी ओडंतुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। परिणाम स्वरूप कताई की रफ्तार जो थी, तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में धागा बनने लगा। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में आविष्कार कृत वाटर फ्रेम नामक जो मशीन के द्वारा पहले से
अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल कॉस्टन द्वारा बनाई गई थी। इसे कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में उन मशीन के आविष्कार का दौर जो कताई और बुनाई के कार्यों के बीच संतुलित बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावर लूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1803 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किए, कॉर्न लॉज यानी अनाज के कानून का समर्थन। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया, उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला। बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ की गई। जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो प्रकार के वर्गों में बट गया। पहला वर्ग मालिक वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाती है और केवल पूंजीपति वर्ग को ही औद्योगिक क्रांति से क्या होता है, लाभ होता है। तो इस तरह से इंग्लैंड में सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति का आविष्कार होता है। औद्योगिक क्रांति के आविष्कार से कहीं पर लाभ भी है तो कहीं पर बहुत सारी हानियां भी हमें देखने को मिलती हैं और समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग में बढ़ जाता है और बहुत सारी तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं और कुछ समाज का विकराव देखने को मिलता है। तो इस तरह के नकारात्मक प्रभाव हमें औद्योगिक क्रांति के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमने इस चैप्टर को कम समय में रिवाइज किया, आपको ये समझ में आया होगा। यदि एक बार में ये समझ में नहीं आया तो आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हो, निश्चित रूप से आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री के औद्योगिक क्रांति वाला जो चैप्टर है उसका आपने फास्ट रिविजन किया। NCERT पढ़ना अपने आप में बेमिसाल होता है। यदि आप यहाँ से अध्ययन करते हो, NCERT को टारगेट करके अध्ययन करते हो, तो आप जो मेंस परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और हिस्ट्री से स्कूल लेक्चर परीक्षाएं हैं, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।